प्रकार से खरगे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी और सत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। संसद में आज एक बार फिर हंगामा बरपा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कल जो कुछ भी कहा था उसको लेकर के पीयूष गोयल ने सवाल उठाया और पूछा कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ऐसा बयान कैसे दे सकता है। खड़गे माफ़ी मांगे। आखिरकार क्या कहा था खड़गे, क्यों इतना हंगामा हो रहा है? देश की संसद की जो टाइम है वो बहुत ही कीमती है, इस पे बहस होनी चाहिए या देश के मुद्दों पे बहस होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में दिया था। सबसे पहले ये सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। सुना आपने, यहाँ से विवाद की शुरुआत होती है। खड़गे सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से कि हमने तो आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद बलिदान दिया है। महात्मा गांधी की हत्या की गई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मारे गए, भाजपा ने कौन सा बलिदान दिया है? क्या इनका कुत्ता भी मरा है, बलिदान दिया है? ये उन्होंने कहा था। आज जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही पीयूष गोयल ने माफ़ी मांगने का मुद्दा उठा दिया कि आप माफ़ी मांगिए, कैसे ऐसे बयान दे सकते हैं, ये तो बिलो बेल्ट हो गया। सुनिए पीयूष गोयल ने क्या कहा। महोदय, कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। हियर योर लीडर, यू कांट हियर योर लीडर इवन। बहुत बहुत दुर्भाग्य है। सुने, सुने। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। एवरीवन विल बी हर्ड इन रैप टेंशन, leader of the house and leader of the opposition, and their voice must be heard, please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी और सत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूँ सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज
तीनों की मैं निंदा करता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था आजादी के बाद, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। पीयूष गोयल जैसे ही भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर जो है उस बयान को रिपीट तो नहीं किया लेकिन उससे भी तीखा बयान दिया। कहा कि यदि मैं उन बातों को रिपीट कर दूं तो और ज़्यादा इन लोगों को बुरा लगेगा। और फिर उन्होंने प्रक्रांतर से वो सारी बातें कही कि हमने ये बलिदान दिया है, कांग्रेस ने ये बलिदान दिया है, देश को आज़ाद कराया है, इन्होंने कौन सा बलिदान दिया है। तो कुत्ता मरने वाली बात छोड़ करके बाकी बातें वो सब फिर आज बोले हैं। अगर फिर यहाँ रिपीट करूँगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया, आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए। मैंने ये कहा सच नहीं है। तुम क्या किए हो? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा। और ये बार बार बोलते हैं यार पर अनपढ़ क्या है, ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहता। अंता जो सभापति हैं उनको हस्तक्षेप करना पड़ा कि ऐसे चीज़ों में क्यों उलझ रहे हैं और किसी तरीके से मामले को शांत कराया। लेकिन अब जो चीन असली जो बात शुरू हुई थी वो चीन से हुई थी। क्यों? क्योंकि चीनी घुसपैठ की कोशिश तवांग में जो हुई उसके बाद से लगातार विपक्ष संसद में बहस की मांग कर रहा है और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में एक बयान दिया। बयान के अलावा कोई पूरक प्रश्न नहीं लिया गया और न ही कोई इस पर डिस्कशन हुआ, जिसको लेकर के विपक्ष कांग्रेस से लेकर के सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो सवाल उठा रहे हैं कि बहस से भाग क्यों रही है ये सरकार, बहस क्यों नहीं कराना चाहती है। चीन जो है वार की तैयारी कर रहा है, भारत कितना तैयार है, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए, क्या संसदीय लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सांसदों के पास और राजनीतिक दलों के पास नहीं है। ये है असल मुद्दा जहां से ये सब शुरुआत होती है और आते आते कुत्ते तक पहुंच गई, जिसको लेकर के हंगामा हो रहा है। है क्या कि जैसे ही कोई मुद्दा आता है कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है। अब जैसे कि चीन का मुद्दा चल रहा है तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो चीन से मदद ली है वो मुद्दा उठ जाता है, यानी कि राजनीति होने लगती है और देश की सुरक्षा को लेकर के राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।